कबीर लाइफ का फंडा टेक इट इजी कभी है मस्ती कभी है पोर लाइफ कभी आउट ऑफ कंट्रोल टेंशन टेंशन क्यों लेनी लाइफ का फंडा टेक इट इजी 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 टेक इट इजी में खुशामदीन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर के सहयोग से नालंदा वे और यूनिसेफ लेकर आए हैं आपसे जुड़ी रोज एक नई कहानी आपके फेवरेट तारा और कबीर की जुबानी। मैं ऐसा क्यों हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ करना है क्या मुझको ये मैंने कब है जाना लगता है गाऊंगा जिंदगी भर बस ये गाना रे कबीरा यू ना गा रे कबीरा थम जरा हाँ हाँ उड़ा ले तू भी मजाक सब मेरा मजाक उड़ाओ और काम ही क्या है ओहो आज तो मूड खराब है क्या हुआ रे कबीरा रहने दे तारा वही पुरानी बातें कल फिर पापा से बहस हो गए म्यूजिक क्लासेस को लेकर वो नहीं चाहते कि मैं आगे म्यूजिक सीखूं कहते हैं बस 6 महीने सीख लिया अब और नहीं पर क्लासेस की फीस भी तो ज्यादा है ना कबीर शायद इसलिए बात ये नहीं है तारा तुझे तो पता है मेरे पापा से लेकर बुआ तक घर में सब इंजीनियर हैं तो बस अब मुझसे भी सब वही चाहते हैं अपने परिवार की तरह मैं भी इंजीनियर ही बनूं म्यूजिक व्यूजिक कुछ नहीं ओ मैं समझ सकती हूँ उनके लिए ये काफी अजीब होगा लेकिन तुझे क्या करना है ये क्लियर होना चाहिए मैं तो म्यूजिक के लिए जीता हूँ मुझे हर जगह म्यूजिक ही सुनाई देता है क्या करूँ तारा सोचता हूँ कि अगर मेरा दिमाग भी इंजीनियर वाला होता तो सब खुश होते कोई परेशानी ही नहीं पर ऐसा है तो नहीं ना कबीर तू जो है वो किसी मकसद से है तेरे घर वाले कुछ अलग सोचते हैं तो क्या हुआ तेरी अपनी सोच है अपने जज्बात और अपने सपने कुछ ऐसे कि म्यूजिक की दुनिया में अपना नाम बनाऊं बहुत अच्छा कबीर ये आसान नहीं है कि जो तुम्हें करना हो वो तुम्हें अच्छे से पता हो तुम्हें क्लैरिटी है यही बात अपने आप में खास है और सबसे कमाल की बात ये है कि किसी के भी कहने की वजह से तुमने अपनी सोच नहीं बदली सच कहूँ तारा जब भी मैं म्यूजिक से दूर होता हूँ या उस सपने को खोता हुआ देखता हूँ ना मुझे घबराहट होने लगती है एकदम मायूसी सी छा जाती है लगता है कि जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूँ याद है एक बार तूने मुझे बताया था कि अपनी फीलिंग्स लिख लेनी चाहिए बस मैंने अपनी बातें लिखनी शुरू कर दी हैं और कई बार तो अपनी फीलिंग्स पे अपने खुद के गाने भी बनाए हैं सुनेगी अरे वाह ये भी कोई पूछने वाली बात है तो फिर सुन कैसी है ये सरदर्दी ना मम्मी सुने ना पापा कैसी है ये मजबूरी क्यों मैथ्स समझ नहीं आता मस्त मौला मस्त कलंदर मैं हवा का एक बवंडर म्यूजिक लेकर दिल के अंदर क्यों मैं चला मैं कबीरा चल दिया मैं कबीरा सोचता कैसे मैं करूं वो जो है मेरे दिल ने कहा वाह वाह मान गए कबीरा तेरी आवाज में भी दम है और तेरे गाने में भी मैं सोचती हूँ कि मेरी किस बात में दम है मुझे क्या करना है लाइफ में उसके बारे में भी बात करेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए याद रखना लाइफ का सिंपल फंडा Take it easy. हमारी दिलचस्पियाँ कदर खुद पर यकीन सभी हमारी पहचान का हिस्सा है नई उम्र अपनी पहचान बनाने की अहम घड़ी है आपकी पसंद और आदतें आपके करियर में आपकी डायरेक्शन गाइड करेंगे पहले अपने आप को समझना अपनाना और पहचानना जरूरी है तब आप अपने सपनों की दिशा में बढ़ना शुरू कर सकते हैं अपनी कामयाबियों की एक फहरिस्त बनाएं और सोचें
आपकी कौन सी खूबियों ने इसे हासिल करने में मदद की है? क्विज टाइम। अब आपको सुनाई देगा एक सवाल, जिसका सही जवाब देने पर आपको मिल सकता है एक सरप्राइज इनाम। अपने सपनों की दिशा में बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन वन, अपने आप को समझना, स्वीकार करना। ऑप्शन टू, बहुत देर सोना। ऑप्शन थ्री, सपने ना देखना। सही जवाब देने के लिए प्रेस कीजिए 3 और अपना जवाब अपनी आवाज में दर्ज कीजिए। साथ ही में हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। टेक इट इजी सुनने के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए याद रखें, लाइफ का फंडा टेक इट इजी।